अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या अल्लाह पाक की कुदरत है। ये लंबे लंबे दरख्त है, ये हरियाली है, ये पहाड़ है, ये तकरीबन मुगल रोड है। और सामने देखो वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं और वो जो हरियाली नज़र आ रही है, उसी के करीब शालीमार गार्डन, निशाद गार्डन, ये सब उसी के करीब है। और ये दाल लेक है, ये शिकारे हैं, और सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इससे पहले ये फाउंटेन नज़र आ रहा है, फुआरा नज़र आ रहा है। ये देखो कैसा पूरा गोल अंदाज में, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये पानी काफ़ी ऊंडा है, इसकी गहराई बहुत है। अच्छा, ये किसी ने बनाई नहीं है गहराई, ये कुदरती है, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का निज़ाम। देखें ज़रा, चारों तरफ पहाड़ और बीच में पानी और ये शिकारें और अंदर हाउस बोट और चारों तरफ ऊपर से हरियाली और पहाड़ों के इर्द गिर्द मकानात। अल्लाहु अकबर, चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ अक्सर हिस्से में पहाड़ है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अपना ताल्लुक नसीब फरमाए। फुर्सते जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, लाते हैं वक्त कहाँ से लोग नफ़रतों के लिए। मिलजुल कर मोहब्बतों के साथ रहना चाहिए। कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हमें चाहिए कि हम अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें, रोज़ाना दुआ का अहतमाम करें, दुआ सीख लीजिए, अल्लाह से मांगना सीख लीजिए। जो अल्लाह के सामने रोता है ना, अल्लाह किसी और के आगे उसको रोने नहीं देते, और जो अल्लाह के सामने मांगता है, अल्लाह किसी और के सामने उसको हाथ फैलाने नहीं देते। अगर हमें मांगने की तौफीक हो गई, समझ लेना मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अच्छे दिन आ जाएंगे, ज़िंदगी में बहार आ जाएगी।